कौन है सदगुरु जग्गी वासुदेव? क्या है सदगुरु के खिलाफ केस जिसमें सीजीआई ने दी बड़ी राहत? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सदगुरु जग्गी वासुदेव को बड़ी राहत दी है। उन पर चल रहे केस की जांच के आदेश पर सीजीआई ने रोक लगा दी है। हम सदगुरु को राहत कैसे मिली उस पर बात तो करेंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं कौन, साथ ही उन पर जो केस चल रहा था वो क्या है, चलिए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले थोड़े में ये जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सदगुरु के खिलाफ चल रहे केस में गुरुवार को क्या हुआ था। गुरुवार को सीजीआई चंद्रचूड़ ने उनको बड़ी राहत दी है, जिसमें यह कहा गया था कि उनके खिलाफ जांच के आदेश पर रोक लगा दी जाए। इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ पुलिस की जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद उनके आश्रम में तकरीबन 150 पुलिस वाले जांच के लिए पहुंचे थे। मद्रास हाई कोर्ट ने यह आदेश 30 सितंबर को जारी किए थे, जिसको सदगुरु जग्गी वासुदेव ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें सुनवाई करते हुए सीजीआई ने यह कहते हुए पुलिस की जांच पर रोक लगा दी थी कि आप सेना या पुलिस को ऐसी जगह दाखिल होने के आदेश नहीं दे सकते हैं। अब इस केस की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। कौन है सदगुरु जग्गी वासुदेव? चलिए अब जान लेते हैं कि सदगुरु जग्गी वासुदेव कौन है। सीधे तौर पर सभी यही जानते हैं कि सदगुरु जग्गी वासुदेव ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं, लेकिन उनकी जर्नी बेहद लंबी रही। कहा जाता है कि सदगुरु आत्मज्ञानी हैं, दिव्यदर्शी हैं, साथ ही वो एक योगी, कवि, लेखक और वर्ल्ड लेवल के वक्ता हैं। सदगुरु का नाम इंडिया के 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शुमार है। जग्गी वासुदेव से पहले वो गुरु बने, फिर सदगुरु तक का सफर तय किया। सदगुरु जग्गी वासुदेव का जन्म 3 सितंबर 1957 को कर्नाटक के मैसूर में हुआ था। वो एक तेलुगु परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनका पूरा नाम जगदीश वासुदेव है। कहा जाता है कि बचपन से ही उनकी सोच अलग थी। उनके मन में कई सवाल उठते रहते थे। 11 साल की उम्र में ही सदगुरु ने योग गुरु राजेंद्र भाव जी महाराज से योगाभ्यास सीखना शुरू कर दिया था। आगे चलकर उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। पोल्ट्री फार्म, ब्रिक वर्क्स और बिल्डिंग बनाने के सामानों का उन्होंने सफल व्यापार भी किया। उनकी पत्नी का नाम विजी और उनकी बेटी का नाम राधे जग्गी है। लेकिन 1997 में उन्हें दुनिया से मोहभंग हो गया और वो महासमाधि लेकर इस रास्ते पर चल पड़े। कहा जाता है किसी का जीवन बदलता है तो उसके पीछे एक बड़ी घटना घटती है। सदगुरु जग्गी वासुदेव के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उनके साथ एक अजीब घटना घटी। एक बार वो चामुंडी पर्वत पर गए थे। वहाँ वो ऊंचे पत्थर पर बैठे थे। पत्थर पर बैठे बैठे वो ध्यान में चले गए। ध्यान के दौरान उनको महसूस हुआ कि वो प्रकृति के साथ मिल चुके हैं, यानी कि प्रकृति में समा जाने जैसा उन्हें अनुभव हुआ। उनका दिमाग शून्य में भी चला गया। जब वो ध्यान से बाहर आए तो उन्हें लगा वो महज 10 मिनट तक ध्यान में रहे होंगे, लेकिन ध्यान में रहते हुए उन्हें 4 घंटे का वक्त बीत चुका था। यही वो समय था, यही वो अनुभव था जिसने जगदीश वासुदेव को आगे चलकर सदगुरु जग्गी वासुदेव बना दिया। यहाँ बता दें, ये सारी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दी गई है। सदगुरु पर क्या आरोप? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सवाल ये है कि आखिर सदगुरु पर आरोप क्या लगे हैं। दरअसल तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि सदगुरु के आश्रम में न केवल उनकी बेटियों को बंधक बनाया गया है, बल्कि उनकी दोनों बेटियों का ब्रेन वॉश तक कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो सन्यासी बन गई हैं। उनके खाने पीने के सामान में कुछ ऐसी दवाई दी जा रही हैं जिससे कि उनकी सोचने समझने की ताकत खत्म हो चुकी है। जब से उनकी बेटियों ने उनको छोड़ा है, दोनों का जीवन नरक बन गया है। अब तो उन्होंने अपना नाम तक बदल लिया है और अपने माता पिता से मिलने तक से इनकार कर चुकी हैं। ऐसे में उन्हें मुक्त कराया जाए। गौरतलब है कि प्रोफेसर कामराज की दोनों बेटियों की उम्र 27 और 24 साल है। उनकी दोनों लड़कियां 2008 और 2009 में ईशा फाउंडेशन ज्वाइन किया था। कामराज की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने ईशा फाउंडेशन की जांच के आदेश दिए थे।
जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लग चुका है। बहरहाल अब इस मामले में आगे क्या होता है सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में ही मालूम चलेगा। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।